समाज के संस्थापक आजादी में प्रथम उद्घोषक नारी उत्थान छुआछूत विधवा विवाह नारी शिक्षा को बढ़ावा युग दृष्टा स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती को लेकर पूरी दुनिया बड़े ही उत्साह के साथ मनाने का ताना बाना बोल रही है। इसी क्रम में बिहार में भी उनकी जयंती को ऐतिहासिक रूप देने के लिए बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान सभापति प्राकलन समिति बिहार विधानसभा के भाई वीरेंद्र की अध्यक्षता में दयानंद कन्या विद्यालय मीठापुर पटना में एक दिवसीय आर्य जनों का समागम हुआ। कार्यक्रम के संयोजक विशु कुमार, दयानंद स्कूल के उप प्रधान रामानंद प्रसाद, भाई वीरेंद्र सहित कई व्यक्ति इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए भाई वीरेंद्र ने अपने ही सरकार के शिक्षा सचिव के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि स्कूल में शिक्षकों की छुट्टियां रद्द करने का जो ऐलान किया गया है उस पर सरकार अभी अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल संबंधित कई ऐसे मामले हैं जिस पर कई कड़े निर्णय लिए गए हैं, फिर भी इस निर्णय को देखते हुए सरकार इस पर विचार कर रही है। दयानंद सरस्वती जी का जयंती समारोह है और इसी जयंती समारोह में बिहार के हमारे आर्य समाज के जो प्रतिनिधि वो आए हैं और आर्य समाज के वेद का प्रकार प्रचार और अगले साल उत्सव होना है बिहार में 2024 पटना में, उसकी तैयारी के लिए भी ये मीटिंग बुलाई गई है। और सोचा गया कि उनकी जयंती भी है और उस अवसर पर आर्य समाज के लोगों बिहार के लोगों को बुलाया जाएगा। और जिस तरह से आर्य समाज को एक पॉकेट की संस्था बनाकर लोग चाहते हैं चलना, हम लोग चाहते हैं कि इसका वेद का पूरा प्रचार हो, पूरे देश में प्रचार हो और जो छुआछूत उसको ये दूर करती है। आर्य समाज जात पात भी दूर करती है, जो समाज में आडंबर है उसको भी दूर करती है। इसलिए हम आज उनके जयंती पर संकल्प लिए हैं और अगले साल जो उत्सव होगा उसकी भी तैयारी के लिए हम यहाँ आए हैं। और आर्य समाज जो गलत तरह से कुछ लोग कोर्ट में मामला को ले जाते हैं, इसकी संपत्ति को हड़पने के लिए झूठा आर्य समाज ही बने हुए हैं, जो दान दिया हुआ है वो भी संपत्ति को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इसको लूटपाट करते रहें, हम लोग उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। और स्वामी अग्निवेश साहब 2003 में ही हमको आर्य समाज प्रतिनिधि सभा का प्रधान बनाया था। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, चुनाव में भी सर्वसम्मति से हमें आर्य समाज का प्रधान बनाया गया। तब से कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे पॉकेट की संस्था है, हमारी पॉकेट की संस्था चलती रहे। हमने आपके आर्यवेश साहब जो हमारे दिल्ली के हैं आर्य समाज के देख रेख करने वाले लोग, उनसे मैंने कहा कि हमको आर्य समाज प्रतिनिधि सभा के प्रधान होने का कोई ये नहीं है, हम इसके लिए काम करते रहेंगे, लेकिन जो लोग इसके लिए तत्पर हैं उनको भी हटाइए, हम तो हटने को तैयार है ही, और दूसरे किसी को बनाइए जो सही माने में आर्य समाज का प्रचार प्रसार करे, वेदों का प्रचार प्रसार करे। और हम चाहते हैं कि आर्य समाज जो आज सदियों से चला आ रहा है वो बढ़ नहीं रहा, देश और दुनिया में आर्य समाज के प्रचारक लोग हैं और वेदों का प्रचार प्रसार होता रहा है, इससे समाज सुधरेगा और समाज में जो ऊंच नीच का छुआछूत का जो ये है वो दूर देख रही है। और सरकार कैलेंडर तय करती है छुट्टियों का, अगर किसी ने कुछ किया है तो सरकार उसको देखेगी। लगता है कि ये बच्चों की जो छुट्टियाँ सरकार इसको देख रही है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इस पर निश्चित रूप से देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कौन लोग गलत कर रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय स्टैंड चेंज करना पड़ेगा क्या? पढ़ाई भी जरूरी है? नहीं, पढ़ाई भी जरूरी आवश्यक है। पढ़ाई की दिशा में जो उन्होंने किया है वो बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि आज स्टूडेंट भी काफ़ी संख्या में स्कूलों में पहुँच रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकागण भी पहुँच रहे हैं, ये तो सुधार है, लेकिन बहुत सा चीज़ है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। केवल डंडा चलाने से सुधार नहीं होता है और नियम तरीके से बनाने से
कि छुट्टियों को जो काटकूट किया गया है तो सरकार इसको निश्चित शिक्षकों की नाराजगी दूर होगी, सरकार इसको देखेगी निश्चित रूप से नाराजगी दूर होगी। ठीक, थैंक यू।